तो गाइस, क्या आप भी सहारा रिफंड पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करवाए हैं या फिर किए हैं? तो गाइस, आपको बता दें, जिन्होंने महीने महीने पैसा को जमा कर रहा था, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ गलतियां कर बैठे हैं। वो गलती क्या हो सकता है? हालांकि उनको डाउट होगा मेरा जो पैसा है कितना आएगा या फिर नहीं आएगा, तो चलिए आज इस डाउट को दूर करेंगे। इनसे पहले है गाइज, मैं आशी और स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो गाइस, ये पासबुक है जिन्होंने महीने महीने पैसों को जमा किया था, तो ये जमाकर्ता का पासबुक है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पैसा जमा किया है, ठीक है, इनके पासबुक पर सारा यहाँ पर पैसा लिखा गया है, लेकिन इनके पास जो है रिसिप्ट नंबर पूरा मिला हुआ था, लेकिन क्या है ना, कुछ ऐसे रिसिप्ट जो है यहाँ पर खो गया है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इनका जो लास्ट है 21,600 रुपया, ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट पर देखेंगे तो इनका लास्ट रिसिप्ट है यहाँ पर 17,400 का। तो गाइस, बहुत ऐसे जो जमा करता है उनको डाउट है कौन सा जो फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल करना होगा। क्या बोला तूने? मेरे कहने का मतलब, कौन सा जो पैसा है ऐड किया जाएगा। जैसे हो गया यहाँ पर 21,600, वहाँ पर है 17,400। तो गाइस, यहीं पर कंफ्यूज है जो मेरा यहाँ पर कौन सा पैसा जो है ऐड करना होगा। तो गाइस, आपको बता दे, आप सोच रहे होंगे पासबुक वाला पैसा जो है ये ऐड करना है या फिर रिसिप्ट वाला जो लास्ट है वो ऐड करना है। तो गाइस, सबको बता दें, ये जो पैसा आपका जमा हुआ था ऑनलाइन हुआ था, ये कोई ऑफलाइन नहीं हुआ था। तो गाइस, जो आपका मेन है वो है मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर, ठीक है गाइस। ये आप अगर सही डालते हैं तो जो कंपनी वाला है वहाँ पर चेक करेगा। चेक करने के बाद जो भी आपका पैसा जो है ऑनलाइन शो करेगा उसी के अनुसार जो आपका पैसा है दिया जाएगा। तो गाइस, आपको घबराना नहीं है। तो मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।